नमस्कार, मैं मनीष माड़ी हिंदी में एडजे आर एफ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन कर रहे हैं काव्य लक्षण का। आखिर काव्य लक्षण होता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो काव्य शास्त्र से है कविता और दूसरा शब्द है लक्षण। लक्षण शब्द उस प्रक्रिया के लिए व्यवहार में लिया जाता है जो किसी की प्रमुख विशेषता होती है। प्रमुख विशेषता या प्रधान विशेषता जो बताती है किसी भी चीज की, वो उसका लक्षण है। तो काव्य की प्रधान विशेषता या प्रमुख विशेषता बताने वाली जो शब्दार्थ है वो काव्य लक्षण है, और इसी को काव्य की परिभाषा भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा शामिल की जाती है कि कविता क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है, और प्रत्येक परीक्षा में कम से कम एक और दो सवाल इससे अवश्य पूछा जाता है। तो संस्कृत आचार्यों में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन एक जगह लिखा है कि अर्थ क्रिया प्रथम काव्यम, ये काव्य लक्षण बताया है। महत्वपूर्ण परिभाषा दी है आचार्य भामह ने, अलंकारवादी आचार्य थे भामह। इन्होंने कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित जो वाक्य रहेगा वो काव्य है। महत्वपूर्ण और काफी समय तक मान्य भी परिभाषा यह रही है। इसके बाद अलंकारवादी आचार्यों में ही दंडी की महत्वपूर्ण परिभाषा है, शरीर तावत इष्टार्थ वैविच्छिन्न पदावली, शरीर तावत इष्टार्थ वैविच्छिन्न पदावली काव्यम। तो ये दंडी की परिभाषा है। वामन लिखते हैं कि काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थो वर्तते। काव्य शब्दों के गुणालंकार के संस्कृत यानी उन्नत शब्दार्थ वर्तते, उन्नत शब्द अर्थ थे। इसके बाद रुद्रट लिखते हैं, काफी बार पूछा भी गया है ये परिभाषा रुद्रट की, ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। वाग्भट लिखते हैं कि शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय सालंकारो काव्यम। हेमचंद्र लिखते हैं कि अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। कुंतक लिखते हैं कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कव कर्म काव्यम, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कव कर्म काव्यम। आनंदवर्धन लिखते हैं कि शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम सहृदयालादि शब्दार्थमय तवमेव काव्य लक्षणम। तो ये आनंदवर्धन की परिभाषा है। मम्मट लिखते हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनक्वापि लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्यम, ये मम्मट की परिभाषा है। जयदेव लिखते हैं कि निर्दोषो लक्षणवती सरितीर गुण भूषिता सालंकारेर सालंकार रसानेक वर्तीर वाक काव्य नाम भाक। विद्यानाथ लिखते हैं कि गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो गद्य पद्योभर मय काव्यम काव्य विदो विदुह। विद्याधर लिखते हैं कि शब्दार्थो वपुर्षे तत्र विदु विभु विबुदे रात्माभ्यदायी ध्वनि काव्यातिति इति कवि तस्य कर्म काव्यम। आचार्य भोज लिखते हैं कि निर्दोष गुणवत् काव्यम लंकारेर लंकृतम,
आचार्य जगन्नाथ की महत्वपूर्ण परिभाषा और कई परीक्षाओं में पूछी गई है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द काव्य है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा भी काफी परीक्षाओं में पूछी गई है। वाक्य रसात्मक रसात्मकम काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्य है। शुद्धोधनी लिखते हैं कि काव्य रसादिमद वाक्यम श्रोतम सुख विशेष कृत। राजशेखर लिखते हैं कि गुणवद अलंकृत च वाक्यमेव काव्यम। चवाक्यमेव काव्यम शब्दार्थयो योर यथार्थ वत सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। तो यहाँ पर प्रमुख संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएं पूर्ण होती है, महत्वपूर्ण है। आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा, आचार्य मट की परिभाषा, आचार्य कुंतक की परिभाषा, रुद्रट हेमचंद्र दंडी वामह, यह महत्वपूर्ण है। अब प्रीति काव्य में संस्कृत आचार्यों के अनुकरण में जो काव्य परिभाषाएं दी गई है उनमें देखते हैं। आचार्य केशवदास ने अलंकार की परिभाषा दी है, उसी में पहले काव्य के लक्षण भी बताए हैं। जत्पि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिराजे कविता बनी तामीत, ये केशवदास द्वारा दी गई है। केशवदास एक और परिभाषा देते हैं, रचत न दोष युत कविता बनी तामीत बुंद घाला परत ज्यों गंगा घट अपवित। चिंतामणि लिखते हैं, चिंतामणि दो परिभाषाएं देते हैं, एक मम्मट से प्रभावित है, एक विश्वनाथ से प्रभावित है। मम्मट से प्रभावित जो है वो है सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विबुद कहत सब कोई। चिंतामणि की दूसरी परिभाषा है, बतकाउ रस में जू है कवित कहावे सोई। कुलपति मिश्र लिखते हैं कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित। कुलपति मिश्र एक और परिभाषा देते हैं, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। देव लिखते हैं कि शब्द सुमति मुक्ते कहे ले पद पचननी अर्थ छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ। काव्य सार शब्दार्थ को रस ते ही काव्य सुसार, रस को काव्य का सुसार बताया है। सूरति मिश्र लिखते हैं कि वर्णन मन रंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कवि कर्म कवि को जूती ही काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ लिखते हैं कि सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मित मतावरुद भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। श्रीपति मिश्र लिखते हैं कि शब्द अर्थ बिनु दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति पद्रम सुजान। भिखारी दास लिखते हैं कि जाने पदार्थ भूषण मूल लसांग परांग में मति झांकी सौ धुनी अर्थवत वाक्यान ले गुण शब्द अलंकृत स्वरति बाकी। प्रतापशाही लिखते हैं व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय सो धुनि पहचानी शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। तो यहाँ तक रीति काव्य की आचार्यों कवियों की परिभाषाएं पूर्ण होती है। अब आते हैं आधुनिक काल में काव्य की हिंदी के किन विद्वानों ने परिभाषाएं दी। बहुत ही महत्वपूर्ण बाल कृष्ण भट्ट की कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है,
इसके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम कविता है, अंतकरण के वर्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इसके अतिरिक्त भी और महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। एक और परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक हो। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इस रस दशा या हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो रस दशा या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, वही बात है, अलग जगह अलग तरीके से लिखी है। रामचंद्र शुक्ल की एक और परिभाषा है, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत कराने वाला या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। मैथ्यू आर्नल्ड से प्रभावित प्रेमचंद जी की परिभाषा है, साहित्य जीवन की आलोचना है। और ये साहित्य क्या है क्या नहीं है उसके संदर्भ में प्रेमचंद कहते हैं, महात्मा गांधी लिखते हैं कि साहित्य वह है जो चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा हो, यानी कि कुएं से पानी निकालता हुआ किसान भी साहित्य समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी। श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि किसी पुस्तक को हम काव्य या साहित्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब उसमें कुछ लिखा हो और वह जब वो जो कुछ उसमें लिखा हो वो कला उद्देश्य की पूर्ति करते हैं करता है, यही एकमात्र, यानी कि काव्य की एकमात्र कसौटी श्याम सुंदर दास ने कला के उद्देश्य की पूर्ति को माना है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, 5-6 परिभाषाएं है। पहली परिभाषा यह महत्वपूर्ण है, वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम कविता है, सरस शब्दार्थ का नाम कविता है, साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है, रमणीय अनुभूति उक्ति वैचित्र्य और छंद इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है, काव्य आत्माभिव्यक्ति है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक और है कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोन्मयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। जयशंकर प्रसाद की परिभाषा देख लीजिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य लक्षण है। महादेवी वर्मा का काव्य लक्षण है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और इसी के आगे साधारणीकरण भी देखिए, साधारणीकरण महादेवी वर्मा का कि वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। तो कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों छायावादी कवियों की परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भावावेश कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जाता है। गुलाब राय लिखते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पनाओं के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, बहुत ही लंबी परिभाषा दी है। कवि की भाव प्रदान फिर व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रिया है,
फिर कल्पना से युक्त है, ये श्रेय की प्रेय रूपा और प्रभाव उत्पादक है, और प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है गुलाब राय की, है चतुर्सेन शास्त्री की। बाहरी संसार में जो कुछ बनता बिगड़ता है उस पर मानव हृदय विचार और भावना की रचना करता वही साहित्य है। नंदुलारे वाजपेयी लिखते हैं, काव्य तो प्राकृत अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र के स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। रस और काव्य की शामिल परिभाषा है ये इनकी। शर्मा लिखते हैं कि काव्य एक महान सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती है, समाज के साथ ही विकसित होती है, रामविलास शर्मा का मानना है। भगीरथ मिश्र लिखते हैं कि शब्द अर्थ और दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है, वही कोलरिज की परिभाषा को इन्होंने स्वीकृत किया है। अज्ञेय की यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखिए काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात रह जाती है कि काव्य शब्द है। पूर्णतः कलात्मक रूप माना है इन्होंने काव्य को। संरचनावादी जो आज की संस्कृति चल रही है उसका अनुकरण अज्ञेय ने किया है। मुक्तिबोध काव्य को सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं जगदीश गुप्त। काव्य कविता सहज आंतरिक अनुशासन से युक्त अनुभूति जन्य सघन लयात्मक शब्दार्थ है जिसमें सह अनुभूति उत्पन्न करने की यथेष्ट क्षमता निहित रहती है, ये जगदीश गुप्त लिखते हैं। गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं, कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। लक्ष्मीकांत वर्मा लिखते हैं कि कविता आत्मपरक अनुभूति की रागात्मक अभिव्यंजना है और नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की सच्ची अभिव्यक्ति है। कविता भी दी है और नई कविता भी, दोनों की परिभाषा लक्ष्मीकांत वर्मा ने दी है। कुंवर नारायण लिखते हैं कि कविता मेरे लिए कोरी भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। यथार्थ के प्रति जो है अभिव्यक्ति है इनकी प्रतिक्रिया है, ऐसा मानना है इनका, कुंवर नारायण का। केदारनाथ सिंह लिखते हैं कि कविता अपने अनवरत रूप में केवल एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, एक दृश्य और इन सब का कलात्मक संगठन है। तो ये केदारनाथ सिंह की कविता की परिभाषा है, काव्य लक्षण है। धूमिल लिखते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। और भी धूमिल ने अनेक लक्षण दिए हैं। अब पाश्चात्य विद्वानों ने कविता को, काव्य लक्षण को किस प्रकार देखा है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। अरस्तु आद्य आचार्यों में एक है, प्लेटो के बाद अरस्तु का मुख्य स्थान है। तो काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। लॉन्गिनस या लोजाइनस लिखते हैं कि उदात्त काव्य के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि। ये वास्तव में ये काव्य की परिभाषा न होकर उदात्त की परिभाषा है, जो उदात्त सिद्धांत इन्होंने दिया था। उदात्त यानी महानता का, काव्य महानता का सिद्धांत या उदात्तता का सिद्धांत, उसकी परिभाषा है। लेकिन प्रकृति का अनुकरण, कंफ्यूज ना हो आप कहीं, इसलिए ये साथ लिखा है। ड्राइडन लिखते हैं कि काव्य रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, यह भी अरस्तु की मान्यता को मानते हैं, लेकिन रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से मानते हैं। ड्राइडन एक और परिभाषा देते हैं कि व्यक्त व्यक्त संगीत जो है वो काव्य है। वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है वर्ड्सवर्थ की, कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन, कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। शांत अवस्था में भाव के स्मरण से उसका
उद्भव होता है। तो वर्ड्सवर्थ की यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कॉलरिज की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान कविता है। कॉलरिज की एक और परिभाषा है कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों में से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद दे सकते नहीं, और रचना के सभी प्रकार से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक खंड घटक खंड अव्यय से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के अनुरूप हो। ये कॉलरिज की परिभाषा है। मैथ्यू आर्नल्ड जीवन की आलोचना मानते हैं ये। तो पूरी परिभाषा क्या है इनकी देखते हैं। काव्य सत्य और सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। काव्य सत्य काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंध के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। रिचर्ड्स क्या मानते हैं, आइए रिचर्ड्स। काव्य अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता में भिन्न होते हुए भी किसी विशेषता में एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती है। ये काव्य की परिभाषा दी है। एलियट व्यक्ति तो उससे पलायन मानते हैं। तो क्या है ये देखते हैं इनकी इन्हीं के शब्दों में। कविता या काव्य कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि उससे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है। वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। काव्य भाव का स्वच्छ प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति या पलायन है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। ये इलियट की परिभाषा है। पाश्चात्य विद्वान जॉनसन ने 3-4 परिभाषाएं दी है। पहली परिभाषा है कविता शब्दों विचारों को व्यक्त करने की कला है जो कल्पना और एहसास की रचना है। फिर वे लिखते हैं कि कविता छंदोन्मयी रचना है। आगे और लिखते हैं कि कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। कार्यायल लिखते हैं कि संगीतपूर्ण विचार को काव्य कहते हैं। शैली लिखते हैं कि विषाद में इस क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है। और पीबी शैली लिखते हैं कि कविता को कल्पना की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है, कल्पना की अभिव्यक्ति को कविता कहा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। पीबी शैली की एक और कविता की परिभाषा है। कविता सर्वाधिक सुखद और सर्वोत्तम मन के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा है। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। कविता सर्वाधिक सुखद और सर्वोत्तम मन के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा है। एडगर एलन पो लिखते हैं कि कविता लय के माध्यम से सौंदर्य की सृष्टि है। ली हंट लिखते हैं कि कलात्मक मनोवेग का नाम कविता है। हर्सन लिखते हैं कि कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, कविता जीवन की व्याख्या है और जो कल्पना और भावना द्वारा निर्मित होती है। विल्सन लिखते हैं कि भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। कॉर्टहॉफ लिखते हैं कि शब्दोंबद्ध भाषा में भाव कल्पना की आनंदमय अभिव्यक्ति ही काव्य है। मिल जेएस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल लिखते हैं कि बुद्धि और भाव का संयोग काव्य है। हेजलिट लिखते हैं कि कल्पना और मानव मनोवेग की भाषा काव्य है। और पाब्लो नेरुडा लिखते हैं कि कविता आदमी के भीतर से निकली एक गहरी पुकार है। तो आशा है कि काव्य लक्षण की यह कक्षा आपको अच्छी लगी, जिसमें हमने भारतीय की बात की, फिर रीतिकालीन आचार्यों की बात की, फिर हिंदी के आचार्यों की बात की और फिर पाश्चात्य विद्वानों की बात की।